नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे रोज की तरह बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट एनालिसिस देखेंगे यहाँ पर, और साथ में ऑप्शन चैन में देखेंगे निफ्टी का स्पेशली क्या सीन है। इसके साथ में दोस्तों हमारे पास है मोर देन 10 स्टॉक्स टू डिस्कस। व्हाट आर द लेवल्स वी आर गोइंग टू गेट ऑन दीज स्टॉक्स? बेसिकली स्टॉक्स हैं आज के लिए कजारिया सीमेंट सिरेमिक, देन आईजीएल, देन कोलपाल यानी कोलगेट, बर्जर पेंट, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड देन भारत फोर्ज। ये सारे स्टॉक्स हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे, दिस इज आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में आज हम लोग देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जब गया है तो 30,600 के ऊपर इसको प्रॉब्लम हुई है, इसने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है। नीचे की तरफ की बात करें तो देखिए, नीचे आने पर इसका एक जो रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट इसने कहीं ना कहीं ठीक ठाक सर्वाइव किया, एक 30,400 से 500 की रेंज में। और एक जो लो अगर आप देखोगे बना है, वो बना हुआ है 30,338 के आसपास में। तो देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें, आज जो इसकी पूरी रेंज थी ओवरऑल 30,600 से लेकर के ऑलमोस्ट 30,330 या 40 की रेंज में बैंक निफ्टी आज ट्रेड करता रहा है। अभी दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी का कल की बात करें तो इसको, इस चार्ट को आप एक चीज करते हैं, हम लोग डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। डेली चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद अभी भी यहां देखिए जो एक संभावना दिख रही है, वो थोड़ी बहुत सेलिंग आकर के एक बार अगर ये ट्राई करेगा मैक्स टू मैक्स नीचे आने का, तो 30,282.70 के लेवल यानी ये वाला रेजिस्टेंस टच करने की कोशिश कर सकता है। बाकी डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट डोजी, प्रॉपर डोजी नहीं है लेकिन थोड़ा मोड़ा डोजी कैंडल है। और जो कल का देखिए क्लोजिंग थी उसी के आसपास में आज भी क्लोजिंग रही है इसकी। तो अब देखना है, अगर बैंक निफ्टी देखिए 30,500 का लेवल सस्टेन कर ले जाता है कल के लिए, तो हो सकता है फिर से 30,600 एंड 30,700 तक के लेवल दे जाएगा। अगर नीचे की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 30,400 के नीचे कंटिन्यू करता है बैंक निफ्टी, तो फिर कल एक बार ट्राई जरूर करेगा 30,270 तक के लेवल देने का। तो बैंक निफ्टी में जब लेवल की बात आती है तो देखिए जो कल के लेवल्स हैं, ये वाले हैं लेवल्स कल के वीडियो में जो मैंने डिस्कस किए थे, राइट। ये अभी लेवल्स रखते हैं, ये एक्चुअली जब बैंक निफ्टी ऊपर निकलेगा तब देखा जाएगा। तो कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मैंने ये वाले लेवल्स शेयर किए थे। और सारे देखिए सपोर्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 330 अचीव हुआ, ऑलमोस्ट 340 का ऑलमोस्ट उसका आज लो बना हुआ है, सॉरी 340 का नहीं 332 का है, तो ये लो है। लेकिन अभी ये वाला सपोर्ट बचा हुआ है 30,260 एंड उसके बाद में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए एक बार अगर 30,260 वाला अगर लेवल अचीव होता है तो आपको 30,200 तक के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर सपोर्ट को यहाँ पे आप अगर हम लोग मॉडिफाई करना चाहें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है इसको यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन और आप कर सकते हैं, 30,000 ऑलमोस्ट 190 के आसपास में एक और है सपोर्ट, तो करना हो तो आप इसको ऐड कर लो। बट अगर निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी अगर 200 टू 300 पॉइंट्स की रेंज में चल रहा है तो फिर आपके लिए ये वाले सपोर्ट भी काम आ जाएंगे। और बाकी ऊपर की तरफ की दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करें तो आज भी हम लोगों ने जैसा कि देखा हाई लगा है 30,609 का, यानी 30,609 का हाई लगा है। तो अभी ये वाला रेजिस्टेंस मेंटेन है हमारे पास, उसके बाद में 30,700 देन 30,780 का। अभी यहां से एक और हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जिसको आप अगर आवरली चार्ट पे कन्वर्ट करो, ओके, तो यहां पे आपको दिखेगा कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का जो ऑलमोस्ट 30,500 के आसपास में, 500 से लेकर के 520 के आसपास में भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो, 30,500 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल सही है। बाकी अब एक बार निफ्टी में नजर डाल लेते हैं। निफ्टी की भी अगर आप बात करोगे तो देखिए कल की क्लोजिंग जो थी इसकी ऑलमोस्ट 11,835-830 के आसपास में थी। आज की जो इसकी क्लोजिंग है 11,813-814 के आसपास में क्लोजिंग है।
बाकी कल से देखिए आज निफ्टी ऊपर जरूर गया, आवरली चार्ट पे आप देख रहे हो ओपन किया इसने और ऑलमोस्ट 11,885 के आसपास में इसने आज एक हाई दिखाया हम लोगों को, 883 का ऑलमोस्ट हाई लगाया राइट। उसके बाद में ये सपोर्ट को जो रेजिस्टेंस था कल के लिए 11,860 वाला, वो ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाया और उसके नीचे आ गया। फाइनली एक सपोर्ट जरूर इसने लिया 11,780 के लेवल पे आ करके। तो अभी भी अगर निफ्टी से आप एक्सपेक्टेशन बोलोगे क्या एक्सपेक्टेशन है, तो देखिए जब तक अभी एक्सपायरी आने दीजिए, एक्सपायरी तक में कहीं ना कहीं ये जो एक गैप बचा हुआ है यहां से, यानी कि 7,085 से लेकर के जो गैप है ऑलमोस्ट 700 तक का, तो हो सकता है ये गैप आपको आने वाले 1 से 2 दिनों में निफ्टी कवर करता दिख सकता है। तो अगर ये गैप फिलिंग होगी तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पास एक सेफ रिवर्सल जोन जो रहेगा 11,700 के आसपास में मिलेगा। और उसके बाद में अगर फर्दर सपोर्ट की बात करें तो 11,630 का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में दोस्तों अभी भी हम लोग देखेंगे क्लोजिंग इसकी जो मेन रेजिस्टेंस है 11,865, उसके नीचे का इसका क्लोजिंग है ऑलमोस्ट कल के इक्वल क्लोजिंग आई है। तो अभी इसमें लेवल में नो चेंज, जो हमारे पास कल के लेवल है यानी 11,800 का सपोर्ट था, देन 11,760 का सपोर्ट है एंड देन वी हैव 11,700 एंड फर्दर सपोर्ट वी हैव 11,630। तो ये लेवल्स हम लोग मेंटेन करके चलेंगे सपोर्ट की जब बात आती है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 11,865 देन 11,000 ऑलमोस्ट 910 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड देन 11,927, फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। अब अगर देखिए कल की बात करते हैं, कल अगर 8,060 के ऊपर कंटिन्यू करे क्लोजिंग दे आकर के उसके ऊपर, तो ही चांस बनेंगे 11,960 और 12,000 के। अदरवाइज कहीं ना कहीं फिर से वही बात मैं बोलूंगा कि निफ्टी हो सकता है ट्राई करे ये गैप फिल करने का। तो देखते हैं इस बार ये गैप फिल होता है कि नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर आप ऑप्शन चैन को देखोगे तो ऑप्शन चैन में नजर डाल लेते हैं कहां पर बेसिकली क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखोगे 11,750 के लेवल पे हम लोग आते हैं तो ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 7.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर 98,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 7,050 कोई एक अच्छा सपोर्ट भी नहीं है फिलहाल और ना ही अच्छा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे 11,900 पे जब हमारी नजर जाएगी तो वहां पर आप देखोगे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, साथ में 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज का बिल्डअप हुआ है राइट। आज की कॉल राइटिंग है ऑलमोस्ट 10 लाख की, दैट इज लेवल ऑफ 11,900। तो दोस्तों यहां से 11,900 एक हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन करके सामने आता है। जब सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 2 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटिंग है वो शिफ्ट हुई है 11,650 के लेवल पे, जो कि एक बेसिक सपोर्ट बनेगा हमारा यानी सबसे नीचे वाला सपोर्ट। उसके ऊपर अगर आप देखोगे अभी भी 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, तो हमारा 11,700 का जो सपोर्ट है एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल। और उसके बाद में अगर हम लोग 11,800 की बात करें, क्योंकि क्लोजिंग जो है निफ्टी की वो 11,815 या 13 की है, नो सॉरी इट इज 11,797, तो फिलहाल 800 के लेवल पे सपोर्ट जरूर है। 32,000 का टोटल हो आई है, यानी कि अगर गैप अप ओपन करता है तो फिर 11,800 को निफ्टी अपना सपोर्ट बना करके चलेगा। बाकी ये ब्रेक कर जाएगा तो दोस्तों 11,700 तक एक बार आने के फुल चांस रह सकते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। तो जब स्टॉक्स की बात आती है, पहला स्टॉक्स उठाएंगे रिलायंस। रिलायंस को इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट ट्रेडिंग अराउंड 1420 राइट, जी हाँ 1420 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अभी रिलायंस देखिए अपने सपोर्ट जोन में आ चुका है। अब इसकी जो सपोर्ट की रेंज बनती है यहाँ से 1400 पहला सपोर्ट, 1400 के आसपास से रिवर्स लेते दिख सकता है, या फिर आपको ये जो 1380 का जो लेवल है यानी 1380 का जो लेवल है वहां से रिलायंस
रिवर्स लेते हुए दिख सकता है। ओवरऑल बात करें रिलायंस में, तो देखिए ऑलमोस्ट 1400 से लेकर के 1380 का जो जोन आएगा वो कहीं ना कहीं रिवर्सल जोन रहेगा रिलायंस के लिए। और अगर दोस्तों इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट देखिए उतना एक्सपेक्टेड तो नहीं है, 70% चांसेस हैं कि इसका 1400 से लेकर के 1380 के बीच में रिवर्सल आना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में 200 DMA ब्रेक हो चुका है। अभी इसका जो देखिए एक सपोर्ट बना हुआ है वो है ऑलमोस्ट 11,090 से लेकर के नेक्स्ट 11,085 तक का एचडीएफसी बैंक में एक रिवर्स जोन रह सकता है। तो अगर एक पक्का जो मतलब एक अच्छा अगर ट्रेंड लाइन में हम लोग सपोर्ट देखते हैं इसका, अगर हम लोग ये सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम भी एचडीएफसी बैंक आया ऑलमोस्ट इसने 1182 1177 तक इसने लो बनाया और वहां से रिवर्स करके ऊपर चला गया। फाइनली अभी फिर से एचडीएफसी बैंक एक बार नीचे आया था तो इसने ऑलमोस्ट 1200 का लेवल लिया और वहां से सपोर्ट लेकर के चला गया ऊपर फिर से, और उसके बाद में फिर से अभी ये नीचे आया हुआ है। आज इसने 1200 का लेवल टच कर दिया, क्लोजिंग जरूर इसकी 1201 के आसपास में है। तो अभी दोस्तों एचडीएफसी में यहां से जो नीचे की लेवल्स बनते हैं हमारे बिल्कुल क्लियर है, देखिए चार्ट में बिल्कुल क्लियर चीजें पता चलती हैं। 1190 का एक ये रहा आपका सपोर्ट, हो सकता है 1190 से आपको रिवर्स करता दिख जाए, एंड दिस इज इवन पॉसिबल कि कहीं ना कहीं 1095-98 से भी ये रिवर्स कर सकता है। तो ओवरऑल अगर एचडीएफसी बैंक की बात करोगे रिवर्सल जोन में चल रहा है, कहीं से भी ये रिवर्स ले सकता है। इसके लिए अच्छे सपोर्ट रहेंगे 1190 एंड देन 1180 के दो अच्छे सपोर्ट है एचडीएफसी में। अभी नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे अमराजा बैटरी। तो अमराजा बैटरी को देखिए कल हम लोगों ने बोला था जैसा कि अगर ये 730 के नीचे निकलता है देन वी कैन शॉर्ट इट फॉर 720 एंड 710 का लेवल, तो आज दोनों अचीव हो चुका है। अभी ये अपने सपोर्ट पे क्लोजिंग दे करके गया है। मैक्स टू मैक्स अगर देखिए कल अगर ये स्टॉक 700 के नीचे निकलता है, अगर कहीं ना कहीं अभी इसमें देखिए अगर सेलिंग कंटिन्यू करती है अमराजा बैटरी में, तो ये 700 के लेवल भी दिखा के जाएगा आपको, और 700 का लेवल ब्रेक करने के बाद में ऑलमोस्ट 680-685 तक के लेवल भी आ सकते हैं। और अगर इसको दोस्तों रिवर्स करना होगा तो रिवर्सल जोन जो है इसका वो 705 से लेकर के 710 के बीच का जो जोन है वो अमराजा बैटरी के लिए रिवर्सल जोन रहेगा, इस बात को आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज स्टॉक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है ऑलमोस्ट 200 DMA के आसपास में आकर के इसने आज एक ग्रीन कैंडल बनाई है, बाइंग दिखी है, पॉजिटिव क्लोज किया ये स्टॉक, तो यहां से एक रिवर्सल जोन इसका ऑलमोस्ट दिख चुका है। अभी इसमें अगर किसी को ट्रेड लेना है तो वो 450 का स्टॉप लॉस लगा करके 450 का स्टॉप लॉस लगा करके इसको ऐड किया जा सकता है। ऊपर की तरफ लेवल इसमें 470 एंड आफ्टर 470 वी कैन सी 480 एज वेल। तो ये स्टॉक को आप नजर में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, लेवल्स बाकी मैंने बोल दिए हैं। हेक्सावेयर के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी मैंने बोल दिया जो इसका ये अभी हेक्सावेयर देखिए अपने सपोर्ट जोन में चल रहा है, एक्यूमुलेशन किया जा सकता है नो डाउट, और फिर से जो इसमें लेवल आएंगे 380 तक के 385 तक के लेवल फिर से वैलिड है इसमें, बाकी इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 355 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को दोस्तों इसीलिए मैंने लिया, गिर रहा था, गिरने के बाद में हैमर बना हुआ है। अभी अगर ये टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलता है, टेक्निकल्स को फॉलो करता है अगर टेक महिंद्रा, तो फिर आपको ये नेक्स्ट लेवल पे जो दिखाने जा रहा है 830 एंड 840 तक के लेवल इसमें फिर से आते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस। लगातार ये स्टॉक गिरा है, ऑलमोस्ट 484 के लेवल से गिरता चला आया, उसके बाद में अभी थोड़ी उम्मीद है, डोजी कैंडल बनी हुई है, बॉटम पर आकर के डोजी है, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर ये LIC हाउसिंग फाइनेंस 355 के ऊपर निकलता है देन इट कैन शो यू इजली 365, और अगर 360 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है अगर इस स्टॉक की, तो फिर ये एक्यूमुलेट करके होल्ड करने लायक स्टॉक है दोस्तों 380 एंड इवन 400 के लेवल तक में।
तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आप नजर रख सकते हो। बर्जर पेंट को इसीलिए लिया है मैंने, इसका रीजन है। अभी आप बर्जर पेंट की हम लोग अगर बात करेंगे तो बर्जर पेंट में एक चीज बहुत खास है, वो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इसी चैनल पे है दोस्तों। चैनल ऊपर की तरफ जो इसका रेंज बना हुआ है 590 से लेकर के 595 का रेंज है, नीचे की तरफ जो सपोर्ट रेंज इसका बना हुआ है ऑलमोस्ट 565 तक का इसका सपोर्ट रेंज है। राइट, अभी अपने सपोर्ट यानी चैनल के सपोर्ट में आ गया है। ये देखिए, अगर आप इस चैनल को देखोगे, इसके सपोर्ट में आकर के इसने हैमर बनाया हुआ है। यहां से अब ये हो सकता है कि आप कर को मतलब नीचे के लेवल पे बाइंग दिख रही है, तो फिर से ऊपर ट्राई कर सकता है बर्जर पेंट 576, एंड आफ्टर 576 580 के लेवल ये ट्राई कर सकता है बर्जर पेंट। तो इस पे भी नजर बना के चलिए। कोल पाल को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऑलरेडी मैंने लेवल दिए हुए हैं 1360 का, इसका देखिए रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस कर जाता है तो फिर 1400 के लेवल भी आते दिखेंगे। उसके पहले 1370 का लेवल मैंने ऑलरेडी कोलगेट में दे रखा है। सपोर्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर इसको आप होल्ड कर रहे हो तो इसका जो सपोर्ट है 1300 का, उसको लेकर के होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, आईजीएल। आईजीएल ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 540 के, नॉट 540, आई थिंक 530 के लेवल से लगातार नीचे गिरता आ रहा है। अपने सपोर्ट पे आकर के इसने आज एक रिवर्सल दिखाया हुआ है। कल अगर ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा तो फिर से 462 और 465 तक के लेवल दे सकता है। क्लोजिंग इसकी 454 पर है, तो उस हिसाब से अगर आप इसको कंपेयर करोगे 460 तक के लेवल पहले देगा, 460 के बाद में अगर ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा तो 475 तक के भी लेवल इसमें आ सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से दोस्तों अभी बातें चल रही हैं कि निफ्टी जो है कहीं ना कहीं 700 के लेवल तक आ सकता है, तो अगर ये सिनेरियो रहता है तो कहीं ना कहीं देखिए यही जो स्टॉक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हो सकता है थोड़ा नीचे आने की कोशिश भी करेंगे। तो अगर ये केस चलता है तो 445 जो है एक अच्छा सपोर्ट रहेगा आईजीएल के लिए, और वहां से वो रिवर्स दे जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, कजारिया सिरेमिक। कजारिया सिरेमिक अगर आप लोग लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं, तो जब ये जिस दिन ये कैंडल बनी थी, ये क्लोजिंग आई थी ऑलमोस्ट 550 पर क्लोजिंग आई थी, तब मैंने इसको रिकमेंड किया था। उसके बाद में दूसरे दिन जब रिकमेंड किया ऊपर तो गया दोस्तों क्लोजिंग, लेकिन ये नीचे की दे गया क्योंकि कल मार्केट धड़ाम हुई थी। तो कल की क्लोजिंग के बाद आज का देखिए आप, कजारिया सिरेमिक का हाई देखिए 575, हमारा जो रेजिस्टेंस था 565 का टारगेट था, और ये टारगेट मैंने ये यानी 20 फरवरी को जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बोला था मैंने, तो आज फाइनली हमारा टारगेट आ गया। अभी भी स्टॉक कंटिन्यू करने लायक है, अगर ये सस्टेन करता है 556 के ऊपर, देन अगेन इट विल शो यू 560 एंड 565 अगेन। तो इतने सारे स्टॉक डिस्कस कर लिए हैं, बाकी दोस्तों चार्ट जो एनालिसिस होगी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं एनआरजे स्पेस फाइनेंस, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक यहां पर रहा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग।